भाई फाइनली यार, इतने टाइम बाद, मतलब पूरा मतलब हालांकि सफर 2 घंटे का ही था, लेकिन वहां बैठे फिर ट्रेन में बैठे, मतलब फाइनली हम इटावा पहुंच चुके हैं। पर स्टेशन का नजारा कुछ इस प्रकार से है, अभी भीड़ नहीं है बिल्कुल। सुबह सुबह 3 बज रहे हैं आई थिंक, हाँ 3 बज रहे हैं, 3 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे एकदम शांति सुकून है, शांति है सुकून है। अभी देखो अपने को ना इधर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि रात में कोई भी साधन नहीं है। अभी बस हमारे इधर जाने के लिए अभी तक कोई नहीं है, न बस है ना ऑटो, कुछ भी नहीं है। अब किसी भी बड़ी सिटी में होता तो सुबह नहीं, अब हम सुबह मतलब सुबह तो हो गई है, मतलब 4 या 5 बजे के आसपास आई थिंक कोई मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना देखते हैं भाई क्या करते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 ठीक है यार, फिर थोड़ी देर में मिलता है ठीक है ना, क्योंकि अभी आए हैं तो थोड़ा भूख भी लग रही है मेरे को, अब मैं कुछ खाऊंगा। बाल बाल सेट कर ले, सोफा लगा है, बाल सेट होगा ही नहीं। तो चलो थोड़ी, मतलब यार देख रहे हो ट्रेन की लंबाई भाई साहब, मैं पिछले 5 मिनट से ऐसे चलता जा रहा हूँ, लेकिन मैं पता ही नहीं था मैं इतनी लंबी ट्रेन में बैठ के आया हूँ भाई। मतलब मैंने सबसे आगे, मतलब आगे के आई थिंक सेकंड या थर्ड डब्बे में बैठा था, अभी भी चल रहा हूँ भाई, अभी भी दिख नहीं रही है, देख रहे हो? जनरल डब्बा उधर ही था, हमारे पास इतने पैसे थे नहीं जो हम बुक कर लें एसी भाई, जनरल में मतलब अभी भी दिख नहीं रही भाई साहब, बहुत दूर है, देखो हाथ, कुछ कह नहीं सकते, जहाँ तक नजर जा रही है ना, जहाँ तक, हाँ जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक वहाँ तक ट्रेन है। पूरा यार इटावा का प्लेटफॉर्म छोटा पड़ गया है इस ट्रेन के आगे, हैं? नहीं तो यार ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अरे यार देख रहे हो इधर से उधर तक ना, कर लो देखो पीछे पीछे, देखो पीछे, और देखो मतलब इधर देखो, बहुत लंबा यार भाई, कब पहुंचूंगा यार मैं अपने डेस्टिनेशन पे। चलता जा रहा, चलो चलता जा रहा हूँ, क्या करना, चलना ही पड़ेगा यार। इटावा, वो देखो ETW, इट्स मींस इटावा, यू नो ETW इधर दिखेगा, आगे है, आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 डला है। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग स्टेशन पर बैठे हैं इटावा, और घर पे निकलना था, लेकिन मुझे तो भिंड निकलना था क्योंकि मेरी दीदी वहाँ से आएंगी, उन्होंने कहा था कि कानपुर से जब आएगा तो मुझे लेते हुए घर पे निकल जाना, और दीपांकर को घर पे निकलना था, तो इसने कॉल करी अपने पापा से, इसके बिल्कुल नहीं की हमने कॉल, इन्होंने कहा मेरे से हमारी ट्रेन 5 बजे है, तब तक तू, मैं यहाँ क्या करूँगा अकेला, मजबूरी में रोक लिया यार, अच्छा खासा घर पहुँच रहा। चलो कुछ भी सही, कुछ भी सही, इनकांडी इंसान, तो यहाँ पर रुके, अब 5 बजने दो तो हमारी ट्रेन तब चलेगी नहीं, वैसे ट्रेन तो कह रही है चल बेटा चल, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ भाई, इसकी ट्रेन वो देखो उधर उधर वो वेट कर रही है, समझ रहे हो, इस ट्रेन में इसको जाना पड़ी है, ट्रेन कर रही है वेट, अभी डीरांगना लक्ष्मी बाई, ये वो भी है, जो भी है लक्ष्मी बाई वेट कर रही है। देखो भाई बहुत लंबी ट्रेन है, हाँ भिंड के लिए जाएगी, भिंड के लिए सीधा, और ये तो भाई ब्लॉग बना रहे हैं भाई, अब इनको मतलब ही नहीं ट्रेन से, भाई ट्रेन को छोड़ के जा नहीं सकती क्योंकि भाई स्पेशल आदमी, बड़े आदमी। अब देखो हम कानपुर से लौट गए हैं तो भाई आराम करेंगे, हाँ कानपुर से लौटे तो आराम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे, ट्रेन रुकी रहेगी, मेरे लिए रुकी रहेगी, वो तो रुकना पड़ेगा ना भाई। अबे नहीं अभी नहीं, ड्राइवर को पकड़ के अभी आराम कर लूँ तब जाऊँगा, पोस्ट भर दिया उसने, हाँ तभी जाऊँगा आराम, अभी आराम कर रहा हूँ मैं, हाँ देखो ट्रेन कह रही है चल बेटा चल, मैं लेकिन आराम करना है मुझे तब जाऊँगा मैं, देखो ये खड़ी है, आराम करना तो मैं आराम करना, मैं ड्राइवर की छोड़ दी तुमने, पूरी पूरी ट्रेन खाली है मेरे लिए, देख रहे हो पूरी पूरी ट्रेन, 5 बजे से 5 बजे का आदमी है, 5 बजे का टाइम दे दिया मैंने ट्रेन को यहाँ से चलने का, ये अभी 5 बजे चलेगी, जब ये बोलेंगे तब चलेगी, ऐसे भी नहीं चलेगी, तो 5 बजे यहाँ से चलेगी इटावा से भिंड, जब तक और मैं अपने चरण ट्रेन में नहीं रखेंगे, अपना तशरीफ नहीं रखेंगे, दीपांकर को घर पे भेज दूंगा तो ये भेज दूंगा, हाँ तो इसको बिठा दूंगा, प्राइवेट जेट मंगाए रहे हैं हमारे, या इसको बिठा दूंगा हुआ तो जाए, इसको बिठा दूंगा करेल के लिए और मैं निकल जाऊंगा सीधा भिंड के लिए, मत बोलो बिठा दूंगा, हम तो मैं बिठा जाए ट्रेन में, हम जाए हमारे मिले पत्र, समझ रहे हो, जैसे मैं नहीं जाऊंगा तो भाई ट्रेन जाएगी नहीं, इसलिए मुझे बिठा मैं तो छोड़ दूंगा और भी फिर निकलूंगा, हाँ तो इसमें सबका भला हो जाएगा, तभी ट्रेन चलेगी जब मैं जाऊंगा, यार ये भी ठीक है, जरा उसके एक्सीलेटर को भी बढ़ा देना थोड़ा, वरना और सबसे बड़ी बात ये है कि यार हम इतनी बकचोदी कर रहे हैं और ये मतलब सुन भी रहे हैं लोग,
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बात बताओ, नहीं तुम लोग क्यों सुन रहे हो? अब अगर सुन रहे हो तो शेयर भी कर दो यार दोस्तों के साथ, मतलब उनसे बोलना अपने भाई का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, समझ रहे हो ना? कर दिया करो यार, कितनी बार कहना पड़े, मतलब हर बार हर मतलब हर ब्लॉग में बोलना ज़रूरी होता है क्या? वैसे यार एक्सपीरियंस बताऊँ तो यार मेरा फ़ोन बहुत अच्छा भी लग रहा है, फील हो रहा है कि फोन बहुत अच्छा चल रहा है, देखे कब तक चलता है ये। एक दिन दो दिन महीने तीन, अभी उन्होंने रीसेट वगैरह वगैरह वो सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिया तो कब तक चलता है ये, इनका चले तो चलेगा वरना फिर मैं आईफोन 14 प्रो में खेल रहा हूँ दो तीन दिन में ऑटो। अभी तो मेरे पास ये नहीं अच्छा है, ये ऑटो स्विच ऑफ हो रहा था तो अब देखते हैं कि बंद होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो फिर ले जाएंगे, फिर उनकी गांव में उंगली करेंगे भाई सही करो, गारंटी वो वारंटी में तो फ्री में सही करेंगे, वरना पेल देंगे हम उनको, पेल सर्विस सेंटर खोल रखा है, पेल देंगे हम। बकचोदी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं बकचोदी, नहीं, नहीं 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 वो बकचोदी ख़त्म करने का मतलब वो नहीं है, वो सामने जो लोग जा रहे हैं ना आपको नहीं देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो बार बार फ़ोन की तरफ देखे कि हमारा फ़ोन मतलब बैक कैमरे शूट कर रहे हैं तो स्क्रीन उस तरफ है, लोग देख रहे हैं ये बहन लड़े करके आ रहे हैं वे ये डोकर जी, नहीं सॉरी दादा जी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठे, ये भिंड के लिए जाएगी सीधा ट्रेन वाली, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बाय 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 बाय, अब मिलते हैं सुबह, सुबह मिलेंगे 6 बजे नहीं।